हेलो दोस्तों, अगर आप खोपोली में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और आप मुंबई में रहते हैं और फार्म हाउस के लिए, वीकेंड विला के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि सबसे अच्छा हो, मुंबई के पास में हो, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि जो हमें प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो कितना जेन्यून है। और उससे भी बड़ी बात कि एक आपको जेन्यून सेलर मिलना चाहिए, एक ऐसा ओनर मिले जो आपको फंसाए नहीं, आपके साथ फ्रॉड ना करे, और हो सकता है तो प्रॉपर्टी पूरी तरह टाइटल क्लियर हो, वहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया हो, वहाँ पे आजू बाजू में कोई रहता हो। और अगर प्रॉपर्टी आपको गेटेड कम्युनिटी में मिल रही है तो रेट ज़्यादा रहेंगे, उसके रेट डबल्स रहेंगे। यह भी एक डर रहता है कि रेट्स डबल है, प्रॉपर्टी तो अच्छी है, लोगों ने बंगले भी बनाए हैं। और अगर मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी देता हूँ जहाँ पे जेन्युइन ओनर है, जेन्युइन डेवलपर्स है, लेकिन आपको रेट्स उसमें कम है, मार्केट रेट के हिसाब से रेट कम मिलेंगे, कोई बीच में डेवलपर्स नहीं है, जिसकी लैंड है वही डेवलप कर रहा है, वही खुद ही ओनर है, उसी का 7-12 पे नाम है और वही आपसे मीटिंग करेगा, तो आपको सुन के अच्छा लगेगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप आके मीटिंग करेंगे, खुद देखेंगे कि हाँ मुझे लोगों को हार्डली क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुंबई से यहाँ आने के बाद भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, लोगों को फंसना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे दे दिए आप परमिशन के लिए, घर बनाने के लिए अलग से चक्कर मारो, केयरटेकर चाहिए ढूंढने के लिए अलग से चक्कर मारो, वहाँ पे कुछ ग्राम पंचायत का इशू आया तो फिर मैं मुझे टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। तो ये सब जो बातें रहती हैं, ये सब बातें लोगों को ऐसा चाहिए कि मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिलवाए, ऐसा आदमी मीडिएटर हो जो लास्ट तक मेरे साथ दे, तो मैं यकीन दिलवाता हूँ अगर आप मेरे से जुड़ेंगे, मेरे पास आएंगे, तो पहली ही बार में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा सकता हूँ, एक और अच्छा एक सेलर, एक अच्छा ओनर से मिलवाता भी हूँ। तो जो भी आप प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं, आप डायरेक्ट ओनर से मिलके मीटिंग करके एक ऑफ़र देके भी जा सकते हैं। हर प्रॉपर्टी के आपको पेपर देखने के लिए मिलेंगे। आज मैं एक प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, हिल पे है। ये देखिए ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट एक प्लॉटिंग का ही हिस्सा है, जिसे इस तरफ से वॉल कंपाउंड किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इस प्लॉट को अप्रोच रोड आया है, ये देखिए रोड आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, 3 फेज कनेक्शन आया है, अच्छी बात जो कि हर प्लॉट में नहीं रहती। बड़े बड़े 15 साल 12 साल पुराने जंगली पेड़ हैं, लेकिन किसी फल के नहीं है, जो है वो क्लियर है। और ये प्लॉट एक अच्छी बात के इस प्लॉट का और इसके साथ साथ जो भी प्लॉट है उनका सबका गवर्नमेंट सर्वे हुआ है, और जो लैंड ओनर है उन्हीं के नाम पे 7-12 है, वही आपसे मीटिंग करेंगे, उन्हीं से आपको मैं बैठाऊंगा। अभी देखते हैं कि ये प्लॉट अच्छा क्यों है। ये प्लॉट पर्टिकुलर सब प्लॉटों से अलग है क्योंकि ये प्लॉट हिल पे है, और ज़्यादातर लोग जो फार्म हाउस देखते हैं, जो वीकेंड विला के लिए प्लॉट सर्च कर रहे हैं, वो हिल पे ही प्लॉट लेना बहुत पसंद करते हैं। लोगों को हिल वाला ही प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, ताकि वहाँ से व्यू देख सके, वहाँ से सराउंडिंग लोकेशन बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त दिखता है। ये देखिए ये है टेबल टॉप प्लॉट, नीचे नीचे से ऊपर हम चढ़े और ऊपर पूरा टेबल है हिल पे। यहाँ पे जब हम बंगलो बनाने के लिए सोचेंगे तो सराउंडिंग पूरा नेचर का व्यू आपको प्लॉट से मिलेगा। अच्छी बात यह है, ये जो प्लॉटिंग है, यह प्लॉटिंग पूरी साफ सफाई वाली प्लॉटिंग है। इसमें हर एक प्लॉट में 4, 5, 10, 12 ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, वो भी पुराने पुराने। ऐसा नहीं कि ओपन लैंड है, अभी आपको पेड़ लगाना है, पेड़ लगाने के बाद आप 10 साल उसको खाद दोगे, पानी दोगे, केयरटेकर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको गॉड गिफ्ट बड़े बड़े पेड़ भी मिल रहे हैं। ये देखिए ये जो दीवार है, ये इसकी बाउंड्री है। ये दीवार के इस तरफ वाला प्लॉट ये हमारा है, 20 गुंठे जो सेल के लिए है, जिसमें बड़े बड़े 8 से 10 साग के पेड़ भी हैं। ये जो बाउंड्री देख रही है वो बाउंड्री इसकी एंड है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अभी हम लोग नीचे वाले हिस्से से ऊपर चढ़े, ये जो बाउंड्री है यहाँ तक ये प्लॉट जाता है।
हाफ एकर का प्लॉट है, कोर्ट प्राइस है 1,80,000 पर गुंठा, निगोशियबल। ये जो वाल है ये पूरी तुड़वा के आपको नई बनवा के दी जाएगी, इसका प्रॉपर MOU होगा। फोर साइड इसको 10-10 फुट की वाल आ रही है और एक रोड इसको नीचे भी है, नीचे वाला अप्रोच रोड भी है। ये देखिए, मतलब दोनों साइड में ये प्लॉट थोड़ा उतर रहा है स्लोप में, ऊपर ये टेबल टॉप है।